वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल से टॉपिक हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, अगर आप ध्यान से रीड करेंगे तो आप लोगों के दिमाग में फीड हो जाएंगे और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस क्लास के बाद। तो शुरू करें, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की अपन बात कर लेते हैं। आपने नाम सुने होंगे कि जयपुर से सीकर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दिल्ली से कोलकाता के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, या फिर मुंबई से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है इनिशियल स्टेज और जो फाइनल स्टेज है इनके बीच की लेंथ, इनकी बीच की जो लेंथ है उसको अपन क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज दोनों के बीच की एक्चुअल लेंथ वह क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। डेफिनेशन देखते हैं हम क्या होती है डिस्टेंस, फिर समझेंगे और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो भी समझेंगे। डिस्टेंस की डेफिनेशन है द लेंथ ऑफ एक्चुअल पथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवेल, इन द गिविंग टाइम ऑफ इंटरवेल इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, वापस से रिवाइज करते हैं। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवेल इज नोन एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी समय विशेष में, किसी टाइम विशेष पर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई लंबाई, जो लेंथ जो है, जो वह एक्चुअल लेंथ, वह एक्चुअल लेंथ है वह क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। वह क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। समझिए इस बात को, फिर अपन चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस में होता क्या है, एक व्यक्ति यहाँ से ए बिंदु से, ये पॉइंट ए है, यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया, ए से चलना प्रारंभ किया और 10 किलोमीटर की दूरी चल करके या 50 किलोमीटर, यहाँ 50 किलोमीटर मान लीजिए, 50 किलोमीटर की दूरी इसने कोई किसी कार से चालू की, कार के द्वारा ये 50 किलोमीटर चला गया और 50 किलोमीटर पे दूरी पे यहाँ पर एक सिटी था दिल्ली, यह है दिल्ली पहुँच गया है, कहाँ पहुँच गया, दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली से चल करके 50 किलोमीटर चला यहाँ से और दिल्ली से चल करके फिर वह और 60 किलोमीटर और चला गया और 60 किलोमीटर और चल करके पहुँच गया वह कहाँ पर, अलवर। कहाँ पर पहुँच गया भाई, अलवर पहुँच गया, ठीक है। तो इस व्यक्ति के द्वारा, इस पर्सन के द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ जो तय की गई है, एक्चुअल लेंथ जो मूव की गई है, एक्चुअल लेंथ जो तय की गई है वह कितनी हो गई, 50 किलोमीटर तो ये हो गई और 60 किलोमीटर ये हो गई, यानी कि 50 प्लस 60 50 एंड 60, ठीक है, इज इक्वल टू 110, यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितने किलोमीटर की दूरी थी तय की है, 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है, ठीक है। तो दिस इज डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस कहलाता है, ये क्या हो गया, डिस्टेंस कहलाएगा। अब डिस्टेंस क्या है, एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और डायरेक्शन की यहां पर आवश्यकता नहीं है। क्यों, बिकॉज डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी डिस्टेंस जो होती है वह निगेटिव नहीं होती है। जैसे मान लो ये यहां से चल करके फिर वापस इसी रोड पर पे वापस आ गया, वापस उसी स्थान पर आ गया, तो भी इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 220, इतनी डिस्टेंस हो गई, 220 डिस्टेंस हो गई। फिर भी यह क्या है, हमेशा भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग वह किसी विशेष लेंथ तक जाता है, तो अगर वह मूव कर रहा है तो वह लेंथ जरूर क्रॉस करेगा, वह लेंथ जरूर मूव करेगा, तो उस लेंथ
का की वैल्यू जो है वह क्या कहलाएगी, उस टाइम इंटरवल में वह कहलाएगी डिस्टेंस, वह क्या कहलाएगी डिस्टेंस कहलाएगी। आगे बात समझ में, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज बी ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, ठीक है। और डिस्टेंस का मेजर्ड बाय ओडोमीटर, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें आप जब बैठते हो तो उसमें आप लोगों को पता है कि एक विशेष प्रकार का एपार्टस लगा होता है, उसमें एक उपकरण लगा होता है, उसको कहते हैं ओडोमीटर। और ओडोमीटर जो होता है वह उस व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई है उसका, उसके बारे में अपने को बताता है, ठीक है। मेजर्ड डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यूनिट्स के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, यूनिट्स क्या होती हैं। तो डिस्टेंस की जो यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट्स जो होती हैं वह तो होती है मीटर। डिस्टेंस की एसआई सिस्टम में यूनिट जो है वह मीटर है एंड सीजीएस सिस्टम में सेंटीग्राम सेकंड जो सिस्टम है उसमें सेंटीमीटर है, उसमें क्या है सेंटीमीटर है। डिस्टेंस की जो यूनिट है वह क्या है सेंटीमीटर, किसमें सीजीएस सिस्टम में। और एसआई सिस्टम में डिस्टेंस की जो यूनिट है वह क्या है मीटर। पूछ लेते हैं एसआई यूनिट्स में डिस्टेंस की यूनिट है क्या, यूनिट है एसआई यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो आप बताएंगे मीटर, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन सीजीएस सिस्टम, तो दैट इज सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर। तो एसआई यूनिट जो है एसआई सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और सीजीएस में क्या है सेंटीमीटर है। अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो अपन क्या चर्चा करेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसने इनिशियल में कहां से स्टार्ट जहां से किया मूव करना, और किसी यहां से इसको अपन इसी एग्जांपल से समझ लेता है। देखिए इसी एग्जांपल से अपन समझेंगे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो है यहां ए से चल करके और यहां चला गया, कहां पर दिल्ली चला गया, और दिल्ली यहाँ से कितने किलोमीटर है 50 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर अभी 50 किलोमीटर है। यहाँ बी बिंदु है, ये दिल्ली आ गया डी ई एल एच आई, ठीक है। और फिर दिल्ली से यह है यहाँ पर 60 किलोमीटर चल करके 60 किलोमीटर चला और अलवर आ गया, 60 किलोमीटर की दूरी तय की और कहाँ पर आ गया भाई अलवर आ गया, यहाँ ये अलवर है या फिर सी पॉइंट है जो सी, और ये 60 किलोमीटर है, बी से सी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है और ए से बी की दूरी 50 किलोमीटर है, ऐसे भी आप लोग मान सकते हैं। लेकिन अगर अपन इसको सीधा कैलकुलेट करें तो इसका जो इनिशियल स्टेज है ये इनिशियल स्टेज तो ये हो गई, और फाइनल स्टेज कहाँ पर है, यहाँ पर है फाइनल स्टेज, ये फाइनल स्टेज है, ठीक है। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वह कितनी है, यह मान लेंगे अपन 80 किलोमीटर है, ये क्या है 80 किलोमीटर है। तो यह इसका इन दोनों के फाइनल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल जो स्टेज है वह क्या कहलाता है, उनका डिफरेंस क्या कहलाता है, वह कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, वह क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब आप समझिए इसको, एक और उदाहरण अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से सर्कुलर पथ में गति कर रहा है, ये वर्ताकार पथ में गति करता है, ये सर्कुलर वे में इस प्रकार से वह चला
और चलकर करके वापस यहां ही आ गया, वापस यहां पर आ गया, यहां से चला था ए बिंदु से, और ये जो इसका लेंथ है, इसकी लेंथ ये मान लीजिए आप 40 मीटर, 40 मीटर की लेंथ को ये कवर करके वापस ए बिंदु पर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डिस्टेंस तो हो गई है 40 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, 40 किलोमीटर हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, जीरो है, शून्य है। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वह क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव इसकी वैल्यू होती है, और डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, तो ये डिफरेंस था मुख्य डिस्प्लेसमेंट और इसमें। वापस से मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और आप लोगों को बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट में इनमें क्या अंतर हो गया। एकदम सीधी दूरी जो है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड एक्चुअल लेंथ बिटवीन फाइनल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए वैक्टर, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वान्टिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वैक्टर क्वान्टिटी। ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, एंड डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, बट डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। एक बार एग्जांपल और समझिए, मैंने ये तो समझा दिया, लेकिन फिर एक और एग्जांपल देखिए आप इसका, कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वह इस बिंदु ए से वह मूव करना स्टार्ट करता है, मूव ए करने के बाद वह बिंदु बी पर चला जाता है, यहाँ से चला जाता है, बिंदु बी पर चला जाता है, बिंदु बी से फिर वह पॉइंट बी से पॉइंट सी पर चला जाता है, पॉइंट सी पर चला जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चला जाता है। ठीक है, और फिर चल करके इन दोनों के बीच की दूरी आप मान लीजिए 10 किलोमीटर है, यहाँ पर भी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। ठीक है, अब वह वापस वहाँ से चल करके वापस कहाँ से, वापस बी पे आ जाता है, और बीप से चल करके वापस यहाँ 2 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से बी से 2 किलोमीटर वापस आकर के इस बिंदु पर, इस पॉइंट का नाम है डी। ठीक है, ये डी और बी के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर, कितनी है 2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ आकर के ये रुक जाता है। तो अगर अपने से पूछा जाए तो इन इसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसने टोटल कितनी डिस्टेंस तय की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 10, 20, 20 के बाद फिर वापस 10, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ए से ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी प्लस 2 किलोमीटर, सी बी प्लस, या आप नहीं कहेंगे बी डी, सी बी प्लस बी डी, ये एक्चुअल लेंथ हो गई, एक्चुअल लेंथ तो कितनी हो गई, ए बी 10 प्लस बी सी 10,
plus CB 10 and plus DD 2. Actual length traveled by moving object is 32 kilometer. तो डिस्टेंस कितनी हो गई मूविंग ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस जो हो गई एक गिवन टाइम में 32 किलोमीटर कितनी हो गई, 32 किलोमीटर. और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल स्टेज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल स्टेज ए, ठीक है, और फाइनल स्टेज यहां पर टोटल कितनी किलोमीटर हो गई, 8 किलोमीटर. ये डी, यानी कि इनिशियल स्टेज है ए. या अपन ये कहेंगे कि डी माइनस ए, डी माइनस ए, या फिर अपन ये कहेंगे कि ए डी माइनस बी डी, ए डी माइनस बी डी. ए डी कितना हो गया, ए डी बराबर 10 माइनस बी डी 2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट इज 8 किलोमीटर. और साइड अपने को बतानी पड़ेगी जो मेन पॉइंट है उसके राइट साइड में, मेन पॉइंट के राइट साइड में, यानी कि आपको एक वेक्टर का चिन्ह इसके ऊपर अपने को लगाना पड़ेगा. ये एरो जो है वो वेक्टर का मार्क है, ठीक है, वेक्टर मार्क ये है, इसके ऊपर अपने को लगाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट में 8. कितना है 8 किलोमीटर, और इसके ऊपर आप एरो मार्क लगा दीजिए. इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है वह किस साइड में, राइट साइड में है. इसमें राइट या लेफ्ट या फिर अपन साउथ वेस्ट जो भी है डिस्टेंस में, आप लोगों को डायरेक्शन बताना जरूरी है, ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट जो है कितना हुआ, इसमें डिस्टेंस है बहुत कम, डिस्टेंस 32 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 8 किलोमीटर. तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस. बहुत इजी टॉपिक था, आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगली क्लास में हम और आप लोगों के लिए बढ़िया क्लास लेकर के आएंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त एचआर सर को, धन्यवाद.